फाउंडेशन के द्वारा स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें बच्चों ने कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मुक्ति फाउंडेशन के तत्वाधान में स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर पुलिस आयुक्त तो उत्तरी जोन कमिश्नरेट राजेश कुमार श्रीवास्तव तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बालचंद्र यादव, विभाग अध्यक्ष भौतिक विभाग भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के संयुक्त दीप प्रज्वलन से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम का संचालन संस्था के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार वर्मा ने किया तथा संस्था की वार्षिक रिपोर्ट सचिव रीता सिंह ने प्रस्तुत की। मिशन ध्रुव के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मूल्यां। मिशन शक्ति की महिलाओं ने एक नाटक के द्वारा महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। मिशन समर्पण के द्वारा मानसिक तनाव एवं उसके बचाव पर चर्चा हुई। संस्था के वरिष्ठ सदस्यों सहित शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी सहभागिता दी। संस्था ने मिशन ध्रुव के बच्चों को प्रोत्साहित करते हेतु मिशन ध्रुव की ब्रांड एम्बेसिडर मृगा सती को नियुक्त किया। मोमोज अड्डा के संस्थापक हरिवंश वर्मा को माइलस्टोन की उपाधि से सम्मानित किया गया। संस्थापिका रचना श्रीवास्तव, प्रोग्राम डायरेक्टर शक्ति एवं निशा सिंह तथा मिशन समर्पण के कोऑर्डिनेटर सिंगदा सिंह ने अपने अपने विचार प्रकट किए। अशोक कुमार, लखनऊ, समाचार 24। ये मिशन शक्ति का जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ यूपी द्वारा चलाया गया है, उसी के अंतर्गत ये एक स्वयंसेवी संस्था है मुक्ति फाउंडेशन, जिनके द्वारा ऐसे वंचित बच्चों को जो समाज में वंचित रहते हैं शिक्षा से और तमाम बुनियादी जरूरतों से, उनको अपने पैरों पर खड़ा करके शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो वास्तव में बहुत ही अनुकरणीय है और ये लोग साधुवाद के पात्र हैं। तो इनका मनोबल बढ़ाने के लिए और इनको सशक्त करने के उद्देश्य से मैं आया था और इनको बहुत बहुत बधाई। हेलो सर, मैं मुक्ति फाउंडेशन एक मीटिंग प्रफुल्ल वर्मा जी के निमंत्रण पर मैं यहाँ आया था। यहाँ जो फाउंडेशन है, इसके कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में उन्होंने मुझे बताया और ये बताया कि ये वंचित बच्चों के लिए शिक्षा अभियान चला रहा है, महिला सशक्तिकरण का अभियान चला रहा है। तो ये जानकर के मुझे प्रसन्नता हुई और हमने मैं आपको आश्वासन दिया कि जब भी हम लोगों के लायक कोई ऐसा काम हो जो बच्चों के किसी काम आ सके, आपके इस अभियान में हम कहीं से भी सहायक हो सकें, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और इसके अलावा